मूवी की शुरुआत होती है मालाबार कोचिन ज्यू की डेथ से, जिनका नाम मोशी रॉबिनोविच था। ये कोचिन में रहने वाले आखिरी ज्यू थे और ये लोग इंडिया के ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ ज्यूज में से थे। अब एक एंटीक सेलर जिसका नाम मूसा होता है, वो भी फ्यूनरल में आया हुआ था। अब उसे मोशी के घर से ढेर सारी चीजें बेचने लायक दिखाई देती है। वहां पर काफी सारे पुराने और एंटीक आइटम्स थे, जिसके अंदर एक स्ट्रेंज लुकिंग बॉक्स भी होता है। अब मूसा उस बॉक्स को अपने स्टोर के अंदर लेकर आता है और साथ ही साथ सबेशन जो कि उसका वर्कर था, वो पूरी तरह स्टोर में ही रुका करता था। अब वो अपने साथ ही शमशूल को स्टोर में आने के लिए कहता है, मूसा वहां से निकल गया था। खैर, अब अगला सीन हमको मुंबई का दिखाया जाता है, जहां पर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम रंजन और प्रिया होता है। रंजन एक न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होता है। अब बात करें इस जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो उसको न्यूक्लियर वेस्ट को जो कि हैजार्डस होता है, उसको कैटेगराइज करके उसकी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। रंजन को कोचिन में प्रमोशन के साथ दो साल की ट्रांसफर भी मिल गई थी और इसको आप कोची भी कह सकते हो। असल में यहाँ पर वो ओल्ड ज्यूज वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ओल्ड नाम यानी कि कोचिन यूज किया था। खैर, प्रिया यहाँ पर काफी ज्यादा एंग्शियस होती है मुंबई से जाने के लिए, एज उसके सारे रिलेटिव्स और पेरेंट्स भी मुंबई में ही रहते थे। प्रिया के पेरेंट्स असल में रंजन और प्रिया की शादी से खुश नहीं थे क्योंकि वो क्रिश्चियन था, लेकिन रंजन प्रिया को कन्विंस करता है कि एक बच्चा होने के बाद में ही। अब सबेशन उस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करता है और ये सीन काफी जम्प स्केयर्स देता है हमको। अब अचानक से ही शॉप का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और सुपर नेचुरल फोर्स जो होती है वो सबेशन पर अटैक करके उसको मार देती है। खैर, अब ACP शफीर अहमद को इसकी इन्वेस्टिगेशन का काम मिलता है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं और वो सबेशन की बॉडी देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जो कि काफी ग्रूसम तरीके से संदूक में फोल्डेड हो रखी थी। दूसरी तरफ हमें रंजन अपनी कंपनी में दिखाई देता है, जहां पर उसे अपने काम की ब्रीफिंग मिलती है और इन्फॉर्म किया जाता है कि कोची से रेडियो एक्टिव मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी और ये काम काफी सावधानी से करना होगा, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो पूरी सिटी में बहुत ही खतरनाक डैमेज हो सकता था। अब ACP शफीर को ये ड्यूटी भी असाइंड हो जाती है क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। अब रंजन और प्रिया फाइनली एक बंगलों में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रिया का बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं लगता, जिसके चलते वो घर का इंटीरियर चेंज करने का सोचती है। अब इन लोगों की इनके नेबर्स नंबियर और उनकी बेटी रमा और उनकी नाती अमू से भी जान पहचान हो जाती है और उनका एक डॉग भी होता है जिसका नाम जार था। अब रंजन यहाँ पर फादर सैमुअल को घर पर इनवाइट करते हैं, जिन्होंने ही रंजन को उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद पाला था, यानी कि रंजन यहाँ पर अनाथ होता है। अब प्रिया एंटीक्स की शॉपिंग करने निकल जाती है और वो पहुंचती है मूसा की ही शॉप पर, जहाँ पर उसकी नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है और वो आकर्षित हो जाती है, जिसके बाद में वो उसे घर ले जाने का फैसला कर लेती है। अब प्रिया को उस बॉक्स में से एक बॉटल और एक क्लॉथ में रैप्ड बाल और एक वुडू डॉल भी मिलती है, जिसके अंदर काफी सारी पिंस लगी हुई थी और वो एक पिन निकाल कर फेंक देती है। और बस अब क्या था, बॉक्स से निकली हुई एक रोशनी उसको पजेस कर लेती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब रंजन जब थोड़ी देर के बाद में घर में आता है तो घर में काफी अंधेरा होता है और अचानक से ही प्रिया उसके सामने आ जाती है। रंजन को यहाँ पर कुछ डाउट होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। अब अगले ही दिन से घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। घर के अंदर प्रिया को बाथरूम के मिरर में एक लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है और प्रिया डर के मारे रंजन को मिलने चली जाती है। प्रिया यहाँ पर रंजन को सारी बातें बताती है, लेकिन वो उसका वहम कहकर आराम करने की एडवाइस देता है। अब रात के 2 बजे रंजन को किसी के छत पे चलने की आवाज आती है और वो चेक करने जाता है और वहां से वो नीचे गिर जाता है। अब अगली सुबह इसकी जांच करने के लिए वो ACP शफीर को बुलाता है, जहां पर वो रंजन को मिलकर ये कहता है कि शायद वहां पर कोई जानवर होगा और पुराना घर है और टाइल्स की वजह से शायद वहां पर आवाज हुई होगी और वो मजबूत भी नहीं है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया होगा, तो यहां पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन फादर सैमुअल रंजन के साथ उसके घर जाते हैं, जहां पर रंजन सारी बातें डिटेल में फादर को बताता है। अब फादर को भी घर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास होता है और फिर से प्रिया को वार्डरोब में वही लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है और वो जोर से चिल्लाकर भाग जाती है। रंजन और फादर प्रिया को बेहोश पाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि ज्यादा एग्जॉशन की वजह से प्रिया बेहोश हो गई थी। अब फादर ने रंजन के घर में डीबग बॉक्स को देख लिया था, तो वो रंजन से उस डीबग बॉक्स के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर उस जीव आत्मा को कैद किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेचैन होती है और अपनी बॉडी से निकल चुकी होती है, और उसी को डीबग कहा जाता है, और ये जो क्रिया थी वो पुराने
पुराने जमाने में की जाती थी और माना जाता है कि इसे कभी भी खोलना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो आत्मा किसी के शरीर को अपने वश में कर सकती है। अब फादर इस डीबग बॉक्स की फोटो हिब्रू लैंग्वेज जानने वाले एक प्रोफेसर को सेंड कर देते हैं और वो प्रोफेसर इन रिटर्न उस ट्रांसलेशन को रिकॉर्ड करते हुए एक रबाई का भी डिटेल्स फॉरवर्ड करता है जो कि उनकी मदद कर सकते हैं और रबाई मतलब होता है ज्यूइश प्रीस्ट। खैर अब रंजन फौरन ही मुंबई के लिए रवाना हो जाता है जहां पर रबाई रहा करते थे और वो रबाई और उसके बेटे को यानी कि मार्कस को सारी बातें बताता है। अब यहां पर रबाई ये कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई डीबग किसी को ऐसे ही पजस कर ले क्योंकि ये डीबग यानी कि ये जो स्पिरिट्स होती हैं जो कि भटकती रहती हैं वो सिर्फ मेंटली अनस्टेबल या फिर वीक इंसान को ही पजस कर पाती हैं। सो इन सब चीजों का कारण वो डीबग बॉक्स नहीं हो सकता। तभी प्रिया का कॉल उसके पास में आता है और वो इन्फॉर्म करती है कि वो प्रेग्नेंट है और तभी रबाई शॉक्ड हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि शायद से डीबग ने उसके अनबॉर्न बच्चे को अपने कंट्रोल में कर लिया होगा और यहाँ पर डीबग जो होते हैं वो छोटे बच्चों को भी पजस कर सकते हैं यानी कि जो अनबॉर्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी उस फैमिली की मदद करने आएगा यानी कि रंजन और प्रिया की तो उसके लिए डीबग का सबसे बड़ा दुश्मन वो बन जाएगा। अब रबाई उसे अगले दिन कबात हाउस में आने के लिए कहते हैं लेकिन जब रंजन वहां पर पहुंचता है तब रबाई वहां पर ऑलरेडी मारे जा चुके थे यानी कि डीबग ने उनको मार दिया था। अब रंजन मार्कस से हेल्प मांगता है और अपने बच्चे को भी अबॉर्ट करने की बात करता है लेकिन मार्कस वार्न करता है कि प्रिया की जान पर खतरा हो सकता है क्योंकि वही उस स्पिरिट को इस बच्चे के रूप में इस दुनिया में लाने वाली है और स्पिरिट उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रही है और वो किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। खैर अब मार्कस उसे कोची वापस जाने का बोलता है और उसका ये कहना था कि वो कुछ तैयारी करने के बाद में कोची आएगा। मार्कस अब रंजन को खाम सा लॉकेट देता है सो दैट कुछ लेवल तक वो उनको प्रोटेक्ट कर पाए और घर से सारे मिरर हटवाने को भी वो बोलता है क्योंकि इन स्पिरिट्स की यानी कि डीबग की ताकत मिरर से बढ़ती है। बेसिकली ये मिरर्स उनके लिए एक पोर्टल का काम करते हैं और उन लोगों का ये भी जानना जरूरी है कि रंजन का बच्चा लड़का है या फिर लड़की और इसमें कुछ वक्त जाएगा और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और मार्कस अपनी तैयारियों में लग जाता है। अब एक दिन प्रिया और रंजन वॉक कर रहे होते हैं कि तभी उनके पड़ोसी वाला डॉग यानी कि जार जोर जोर से प्रिया पर भौंकने लगता है। इससे प्रिया काफी नाराज हो जाती है और उसी रात प्रिया घर से गायब भी हो जाती है और रंजन उसको ढूंढने निकल जाता है और अचानक से ही प्रिया को हम देख पाते हैं जो कि एक जॉम्बी की तरह ही चल रही थी और उसके हाथ में एक बैग भी था जिससे खून टपक रहा था। रंजन उसे फॉलो करने लगता है और तब मार्कस भी प्रिया के सामने आकर उससे सवाल करता है कि वो कौन है और जवाब में वो स्पिरिट कहती है कि इब्राहिम एज़रा और वो ये चाहता है कि मार्कस यहाँ से चला जाए और इसी के साथ में प्रिया बेहोश हो जाती है और उस बैग के अंदर से उस डॉग का हेड निकलकर बाहर आता है यानी कि प्रिया के अंदर का डीबग उस डॉग से इतना ज्यादा चिढ़ चुका था कि उसने उसको ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पर एक बात और हमको पता चलती है कि मार्कस का भी यहाँ पर आते हुए एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन वो बच गया यानी कि ये डीबग उसको भी यहाँ पर आने नहीं देना चाहता और जैसा कि मैंने बताया जो भी इसके खिलाफ आएगा वो उसका दुश्मन हो जाएगा। अब वो लोग अगले दिन जोशुआ यहूदी जो कि मार्कस के फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि चंदन नगर में रहा करते थे उन्हें मिलने जाते हैं और रास्ते में मार्कस ने रंजन को अपना ऑफिस दिखाने को भी कहा था। अब अगले सीन में हम जान पाते हैं कि जोशुआ यहूदी दुनिया में नहीं थे। घर के अंदर जोशुआ के बेटे से वो लोग मिलते हैं और एक किताब के बारे में पूछते हैं जो कि जोशुआ यहूदी ने लिखी थी जिसके अंदर सारे के सारे केरला के ज्यूस की हिस्ट्री थी और मार्कस उस किताब को अपने साथ में ले जाता है और वापसी के वक्त एज़रा की स्टोरी पढ़ने लगता है। अब कहानी यहाँ से जाती है 1941 यानी कि 1941 के तिरुवंतपुरम में जहाँ पर हम इब्राहिम एज़रा को देखते हैं जो कि एक जीव होने के बावजूद भी उसने एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार किया। इब्राहिम एज़रा के फादर याकूब एज़रा एक पॉलिश्ड बिजनेसमैन थे और ब्लैक मैजिक में भी उनका काफी इन्वॉल्वमेंट था और उनके हिसाब से ज्यूज की कम्युनिटी ही आखिर में इस दुनिया के अंदर राज करेगी। अब उस क्रिश्चियन लड़की का नाम रोजी होता है जिसके बाद में एज़रा रोजी के लिए एक ज्यूइश वेडिंग गाउन भी लाता है और उसकी विश थी कि वो यही गाउन उसकी वेडिंग डे पर पहने। अब रोजी यहाँ पर इस रिश्ते के फ्यूचर से काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है इसलिए वो एज़रा से होली क्रॉस की कसम लेती है कि वो रोजी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब एज़रा अपने फादर के पास शादी की परमिशन लेने जाता है और उसके फादर साफ साफ मना कर देते हैं, टिपिकल ज्यूज मेंटेलिटी। अब नेक्स्ट डे रोजी के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि रोजी प्रेग्नेंट है लेकिन रोजी एज़रा का नाम बिल्कुल नहीं बताती। अब काफी दिन बीत चुके होते हैं और तब रोजी को इब्राहिम का लेटर मिलता है और वो उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने के लिए कहता है और रोजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गाउन पहनकर ही खुद को खत्म कर देती है। अब रोजी के रूम में उसके फादर को इब्राहिम एज़रा का लेटर मिल जाता है और सारे गांव वाले इब्राहिम एज़रा से बदला लेने के मूड में थे। अब एक रात जब इब्राहिम एज़रा अपने फादर के साथ गांव आता है तो सारे के सारे गांव वाले मिलकर उसको घेर लेते हैं और बहुत मारते हैं और बदले में याकूब
जॉब रोसी के फादर को जख्मी करके अब्राहम एज़रा को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डॉक्टर्स यहाँ पर जवाब दे चुके थे कि अब एज़रा नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा, इसलिए याकूब ने ब्लैक मैजिक की मदद से एज़रा की स्पिरिट को डीबग बॉक्स में कैद कर दिया था और उसके लाश को अरेबियन सी में ही फेंक दिया। अब याकूब का यहाँ पर मोटिव ये था कि जब आखिरी जीव की मौत हो जाएगी तो ये डीबग बॉक्स सारे के सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी और इस दुनिया से अपना बदला लेगा और सारे के सारे गांव वालों को गुमराह करने के लिए एक लकड़ी के पुतले को अब्राहम एज़रा की बॉडी कहकर जमीन में दफना दिया जाता है। अब फादर सैमुअल भी स्पेशल केस बोलकर प्रिया के बच्चे का जेंडर पता कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ ACP शफीर फादर सैमुअल को जार के यानी कि उस डॉग के कटे हुए सर के पास प्रिया के पायल मिलने की बात बताता है एंड इन रिटर्न फादर सैमुअल ACP को सारी सच्चाई बताते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। दूसरी तरफ प्रिया की मॉम रंजन के साथ टेंपल विजिट करती हैं और मार्कस भी ज्यू सिमेट्री में चेक करने की बात करता है सो दैट इस किताब की बात कन्फर्म हो जाए कि अब्राहम की कब्र के अंदर सिर्फ एक लकड़ी का पुतला है। अब होता भी ऐसा ही और इस किताब की बात कन्फर्म हो जाती है, यानी कि उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल सच था और ये डीबग स्पिरिट किसी और के नहीं बल्कि अब्राहम एज़रा की ही थी। यानी कि वो इतना बुरा था नहीं, लेकिन उसके फादर ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसे ऐसा बना दिया। अब मार्कस ये कहता है कि उसको एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए 10 ज्यूज की जरूरत पड़ेगी और फिर ये स्पिरिट को डीबग बॉक्स में वो बंद करके उसी अरेबियन सी में फेंक देंगे। बेसिकली इनका यही कहना था कि इसको खत्म नहीं किया जा सकता, खाली इसको रोका जा सकता है और उसको बांधा जा सकता है और ये डीबग बॉक्स इसलिए ही इस्तेमाल में आता है और उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं ना वहाँ पर वो उसी को कैद करने के लिए हैं। खैर अब रात में जब रंजन घर वापस आता है तो उसे प्रिया वहाँ पर कमरे के अंदर पजल स्टेट में दिखाई देती है और अब अचानक से ही रंजन को ACP शफीर मारकर बेहोश कर देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। अब असल में जिस रात प्रिया ने उस कुत्ते का सर अलग किया था तो वहाँ पर हुआ ये था कि एज़रा की स्पिरिट ने प्रिया की बॉडी से निकलकर रंजन को पजेस कर लिया था क्योंकि वो काफी मेंटली वीक था, जिसका रीजन ये था कि बचपन में उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला और उसकी वल्नरेबिलिटी जो थी वो अभी भी उसके अंदर थी। और एक और रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो एज़रा के फादर का श्राप था वो ये था कि उसको सारे के सारे शहर को सारे के सारे दुनिया को तबाह करना है। और ऐसा कैसे हो सकता है? तो रंजन के पास होता है न्यूक्लियर वेस्ट की एक्सेसिबिलिटी और एज़रा की स्पिरिट पूरे ही शहर को बर्बाद करना चाहती थी। अब उस रात भी मार्कस जब प्रिया से सवाल कर रहा था तब रंजन ही जवाब देता है एज मेंटली वीक लोगों को ही डीबग अपने वश में कर सकता था। यानी कि जिस रात प्रिया ने उस डॉग को खत्म किया था तो वहां पर जवाब कोई और नहीं बल्कि रंजन के अंदर का डीबग दे रहा था, लेकिन हमको कैमरा एंगल उस तरह से दिखाया नहीं गया ताकि हम सस्पेंस में ही रहें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पर रबई ने भी यही बताया था कि वो मेंटली वीक लोगों को पजेस कर लेता है। और तब फादर सैमुअल मार्कस को कंफर्म करते हैं कि बचपन में जब रंजन के पेरेंट्स की मौत हो गई थी तब रंजन काफी टूट चुका था और थेरेपी से ही ठीक हुआ, और जब उसे प्रिया की कंडीशन के बारे में पता चलता है तब फिर से वो मेंटली वीक हो जाता है और एज़रा की स्पिरिट ने इसी का फायदा उठाया। अब एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है और मार्कस क्लियर करता है कि रंजन को अपने विल पावर से ही एज़रा को अपनी बॉडी से निकालना होगा, अदरवाइज ये काफी मुश्किल है। अब काफी स्ट्रगल करने के बाद में मार्कस आखिरकार एज़रा की स्पिरिट को डीबग बॉक्स में बांधकर उसे अरेबियन सी में फेंक देते हैं। और बात रही प्रिया के बच्चे के बारे में तो उसके पेट में एक लड़का पल रहा था और एज़रा की स्पिरिट भी एक लड़के की ही थी और यही रीजन था कि डीबग ने यानी कि एज़रा की स्पिरिट ने प्रिया को पजेस कर लिया था ताकि वो फिर से जन्म ले पाए। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर उसका मकसद सारे के सारे लोगों को तबाह करने का है न कि रिबॉर्न होने का, तो उसने सोचा कि क्यों ना रंजन को ही पदस्थ कर लिया जाए क्योंकि उसके पास में ऐसी हजारडस चीजों का एक्सेस था जिससे पूरा शहर तबाह हो सकता था। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और प्रिया एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म देती है और मार्कस उन दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन मूवी यहाँ पर अभी खत्म नहीं होती क्योंकि मिड क्रेडिट सीन के अंदर हम दो मछुआरों को देखते हैं जो कि इसी डीबग बॉक्स को निकालते हैं, यानी कि ये कहानी अब फिर से रिपीट होने वाली है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।